यहाँ पर ना आज तक हमने जो सीखा है आज हम आपको सिखाएंगे। अच्छा देखिए ये है क ब बा ऐसा होता है जी हाँ ब दे दे खो 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 ऐसा होता है खो 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 गे गे आजम भाईजान गे ऐसा होता है देखिए क अ ब दे खो गे कब देखोगे ये कौन सी हिंदी है ये तो हमें पहले सीख लेना चाहिए था काफी अच्छा दिख रहा है ये तो बहुत आसान है आसान है ना हाँ। अगला और भी आसान है अच्छा ये देखिए ये तो बहुत ही अच्छी चीज दिखती है ना हाँ इसे सीखने में तो बहुत मजा आएगा सिखाइए आपको अच्छा लगा बहुत और सिखाओ और हमें भी देखना है कि क्या पढ़ाई हो रही है हमें भी दिखाइए ये सिर्फ जहाँ पना के लिए है आप तो हमारे पति परमेश्वर हैं अच्छा या अल्लाह मतलब आप मेरी अर्धांगिनी हैं आ गले लग जाए इसी बात पे दूर हट कमबख्त दूर हट छोड़ बेटा पति परमेश्वर नहीं प्रतिद्वंदी तो पति परमेश्वर क्या होता है तुम्हारा शौहर क्योंकि लागी लगन हीरा हो गई मगन क्योंकि लागी लगन हीरा हो गई मगन क्योंकि लागी लगन हिंदुस्तान के बादशाह को हीरा बाई का प्रणाम कहिए हीरा बाई क्या फरियाद लेकर आई हो जहाँ पना मैं हर साल जन्माष्टमी के दिन अलग अलग राजाओं के दरबार में जाती हूँ और कृष्ण रासलीला का आयोजन करती हूँ अच्छा कमाल क्या बात जापना आपको भी अपने दरबार में कृष्ण रास लीला का आयोजन करना चाहिए वैसे भी कुछ लोगों ने आपकी छवि जो बिगाड़ रखी है बेवकूफ नहीं खैर छोड़िए इससे आपकी छवि धर्मनिरपेक्ष राजा वाली हो जाएगी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए आपकी प्रजा में पूरा सद्भाव बना रहेगा अच्छा हाँ हमने सब सोच लिया है कृष्ण हम बन जाएंगे राधा नूर बन जाएगी आओ नूर आओ चले जरा आओ आप चलिए हमारे साथ कहाँ ले जा रहे हो उतारो हमें क्यों? उतारो नीचे उतारो अच्छा अच्छा ठीक तुम तो कंस बनने के लायक हो कृष्ण तो जहाँ बना बनेंगे अरे नूर बेटा इसे कंस नहीं बेचारे को सुदामा बना दो अहम किरदारों पर शाही लोगों का हक होता है जल्लो तुम कृष्ण बनोगे हाँ 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 क्यों नहीं दाईजान हमने क्या कमी है हम बन सकते हैं कृष्ण राधा और कृष्ण का फैसला तो वक्त आने पे खुद ब खुद हो जाएगा ये तो बहुत अच्छी बात कल जन्माष्टमी के दिन यहाँ दरबार में रास लीला का आयोजन होगा तब तक आप इस महल में मेहमान बनकर रह सकती हैं कृष्णा 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 मैया यशोदा से बोले नंद कान्हा राधा क्यों गोरी बीरबल क्यों शाना बीरबल आप यहाँ जी लेकिन अरे आपकी सुरीली आवाज सुनी और हमारे पांव खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आए हीरा बाई जी हम चाहते हैं आपकी रासलीला में हमें राधा का किरदार मिले और अगर त्योहार को सही में सक्षम हाँ वही सक्षम बनाना हो तो कृष्ण बनाइए जहांपना को फिर देखिए लोग कितने खुशी से आएंगे और झूमेंगे ये जहांपना कहां से बीच में आ गए वो रहे सीधे साधे इंसान नहीं 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 भगवान कृष्ण के लिए तो हम ही सही कृष्णा कृष्णा कृष्ण मेरा हो गई मगन क्योंकि लागी लगन देखिए कृष्ण कौन बनेगा राधा कौन बनेगी उसका फैसला मैं नहीं करूंगी तो उसका फैसला करेगी मेरे ये कृष्ण कन्हैया की बांसुरी जो खुद उन्होंने अपने हाथों से मुझे सौंपी थी वाह अब यही फैसला करेगी कि कल कौन राधा बनेगी और कौन कृष्ण
आजम बेटा। हाँ अम्मी। क्या कर रहे हो? वो हम चांद की रोशनी छन्नी से छान छान के ले रहे हैं। सुना है उससे चेहरे पे नूर आता है। अरे चेहरे पे नूर ले रहे हो तो रो क्यों रहे हो? वो हम बहुत देर से ऐसे खड़े तो हमारे हाथ में दर्द हो रहा है। अरे कमबख्त तो हाथ नीचे कर ले। नहीं आ रहा, हमारा हाथ अकड़ गया है। अरे इसका हाथ हाथ नीचे करो। अरे अरे इसे आप इसके पास ले जाओ। हंगामा जी, चुप कर। वहाँ मंगा के ऐसा नमूना पैदा करने की जरूरत क्या थी? चुप, लेके जा जल्दी से। अल्लाह, ये कैसा नमूना पैदा किया हमने। अरे ओ, दूध की कढ़ाई में नींबू, ये दोनों के बीच में मधुमक्खी की तरह क्यों चिपका चला आ रहा है? अरे जहाँ शहद होगा वही तो मधुमक्खी होगी। ये मधुमक्खी नहीं, ये तो हड्डी है। तीन बुलाए बीच में घुसा है। हम तो जहाँ पना को कल के लिए तैयार कर रहे थे। कृष्ण बनकर जहाँ पना कितने हलकट लगेंगे। बदतमीज कहीं का। खुराफा। धनुर बेटा, हलकट नहीं नटखट। नटखट। हम भी वही कह रहे थे। हाँ। लेकिन ये हलकट क्या होता है? तेरे बाई तरफ कड़ा है ना। लो कल्लो बात। हम समझ गए फूफी। जहाँ पना हमारी जान से भी प्यारी कृष्ण की बांसुरी किसी ने चुरा ली। क्या? यही इसी संदूक में रखी थी मैंने मेरे प्रिय कृष्ण जी की बांसुरी। अब जो हमें हमारे कृष्ण जी की बांसुरी दिलाएगा हम उसी के कहने पे राधा और कृष्ण का चुनाव करेंगे। हे, ये तो मेरे ओ इदाएं बाएं हाथ का खेल है। अभी हम सिपाहियों से कहते हैं और वो बांसुरी आपको ढूंढवा देंगे, मतलब दिला देंगे। और फिर कल उसी बांसुरी से हम बनेंगे कृष्ण। ऐसा है तो हम भी अपनी छानबीन शुरू कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमें भी तो रासलीला मनानी है ना। हीरा भाई, आपको क्या लगता है कि ये चोरी कब हुई? वाह क्या सवाल है। जहाँ पना, इन्होंने कहा था ना कि शाम के वक्त थोड़ी देर के लिए इनकी आंख लग गई थी, जब उठी तो देखा कि बांसुरी गायब। लो कर लो बात, ऐसे बनोगे तुम कृष्ण? कृष्ण तो हम ही बनेंगे। पागल हो जाऊंगा मैं। हम ये जानना चाहते थे कि नूर जी को जानकारी कितनी है। हाँ, ऐसी फालतू बात थी। अब थोड़ा काम की बात। हाँ हीरा जी, आपको क्या लगता है जब आप सो रही थी तो कोई कमरे में घुसा, सीधा बक्सा खोला और बांसुरी चुरा ली? वाह क्या दिमाग पाया है मेरे जासूस, बक्सा खोला और बांसुरी चुरा ली। पकड़ ली। सिपाही सिपाही आ रहा है। शाम के वक्त तुम कहाँ थे? हम बाहर खड़े थे, जागते रहो। कौन कौन आया था? कांसम आया था, दासी आई थी, महामंगा जी आई थी, आजम जी आए थे, सिपाही रसूल आया था, बड़े दिगंबर आया था और फिरोज दर्जी आया था और पानी वाली रिमझिम आई थी। झटके पास रिमझिम आई थी, बस इतने ही लोग आए थे? हाँ बस इतने ही आए थे। ठीक है निकल लो, ऐसे कट लो, चलो भागो ऐसे। रिमझिम कहीं का। सबूत मिल गया। जहाँ पना, कल आपका मुजरिम आपके पास होगा। सबूत मिल गया, आप देखिएगा कल कृष्ण हम ही बनेंगे। कहाँ है सबूत? थोड़ा नीचे इस तरफ। ए छोड़ो। अरे राधा रानी, कल मिलते हैं। गिरी गिरी सबूत मिल गया। भाई वाह, क्या मौसम है, क्या हवा चल रही है। हाँ वो तो है, तारे भी कितने दिखाई दे रहे हैं ना। हाँ वो वाला तारा देख, वो वाला। हाँ वो तारों को छोड़ो, इधर देखो। वीरू, हाँ मैं क्या कह रहा था कि तुम हमारे सलाहकार तो हो ही। हाँ हो ना,
लेकिन उससे भी बड़ा ये है कि तुम हमारे कितने अच्छे दोस्त हो ना। बहुत बड़े मानते हो ना? मानते हैं। हाँ सही, बस इतना ही कहना था और कुछ नहीं। बस हाँ। जल्लू हाँ, जरा इस तरफ आना। अच्छा हाँ इस तरफ। हाँ जलाल। हाँ आप समझ में आया बेटा? क्या समझ आया? कुछ है जो तुम हमसे छुपा रहे हो ना जहन में? अपने क्या है? बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो, हम समझ जाएंगे। बोल दो, बता दे, बता जो हमारे जहन में, बता दे। बोलो हमारे जहन में, पक्का बता दे। बिल्कुल। दर्द हो रहा है? हाँ दर्द दबा देते। वीरू हम क्या कह रहे थे? इधर इधर। हाँ इधर इधर। हम ये कह रहे थे कि ना तुम ना हमें ना कृष्ण बनने दो। गई भैंस पानी। कैसे? अरे यार तुम्हें क्या बताएं, वो हाँ। वो हमने हमने राधा से वादा किया था कि है? उसके कृष्ण हम बनेंगे। राधा? राधा कौन है? नूर है? नूर, नूर जो अपनी नूर जो ईरान से आई है। राधा? हाँ। अब तुम्हें क्या बताएं, तुम तो दोस्त हो हाँ। वो थोड़ी बेचारी शर्मा गई थी सबके सामने, अकेले में हमसे मिली है, हमसे कहती है कि बीरबल हमारे कृष्ण तुम ही बनना। अब हम भी कैसे मना करें बेचारी लड़की को ना, बाहर से आई है। अच्छा? तो इसलिए ये था। और उसके बाद तो जल्लू क्या हुआ बीरबल, क्या हुआ? अरे यार किधर गया? अरे तुम्हारे पीछे है। और इधर आओ। हाँ। देखो हाँ। अगर हमसे कोई कहेगा कि प्यार और दोस्ती में क्या चुनेंगे हम, तो हाँ। तो हम हमेशा दोस्ती को चुनेंगे। अरे वाह, जाओ यार, दी कुर्बानी तुम्हारे लिए। जाओ बन जाओ तुम उस राधा के कृष्ण। अरे लेकिन उसके लिए तुम्हें सबूत चाहिए होंगे, तो हम तुम्हें बता देते हैं सबूत हमने कहाँ रखा है। वो हमने अपने कमरे में तकिए के नीचे दाईं तरफ रखा है। और वो जाके वो सबूत ले लेना, उससे बांसुरी ढूंढ लेना और बन जाना राधा के कृष्ण। चारा बिरबल, अब जहां पना बनेंगे कृष्ण और हम उनकी राधा। सुदामा बेचारा, सुदामा। बा अदब बा मुलाहिजा होशियार, शहंशाहों के बाप, बादशाहों के मसीहा, अप्सराओं के दिलबर, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर पधार रहे हैं। तशरीफ रखिए आजम भाईजान, सूरज चढ़ चुका है, अब तो छन्नी छोड़ दीजिए। निकल नहीं रही है, अकड़ गया है हाथ। गर्म पानी में दो दिन तक नमक डाल के सिकाई करने के लिए बोला है हकीम जी ने। खट्टू तेरी तो सब जगह से सिकाई होनी चाहिए। चांदनी से मुंह धो रहा था, निकम्मा कहीं का। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले आजम मियां गुसलखाने में बैठे हुए चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे कि लोटा तो हाथ में उठा लिया लेकिन करूं क्या। हीरा हो गई मगन क्योंकि लागी लगन, हीरा हो गई मगन क्योंकि लागी लगन। जहां पना आज जन्माष्टमी है, अगर आज भी बांसुरी नहीं मिली तो कृष्ण रास लीला नहीं हो पाएगी। कुछ पता चला कि चोर कौन था? हाँ वो बीरबल बताएगा जी, हम जानते हैं कि चोर कौन है। पर बांसुरी लौटाने से पहले हम एक बात साफ करना चाहते हैं। जहां पना कृष्ण तो हम ही बनेंगे,
और हमारी राधा बनेंगी नूर जी। ये दिन में सपने देखना बंद कर दीजिए बिरबल जी। क्योंकि जहां पना बनेंगे कृष्ण और हम बनेंगे उनकी राधा। वो कैसे? वो ऐसे कि हमने चोर को पकड़ लिया है और हमारे पास सबूत भी है। अरे वाह! इसका मतलब हमारा सपना जो है वो टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। वाह 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 बेटा, जल्दी से बताओ चोर कौन है? चोर वो है जिसका ये कुंडल है। सबूत जरा दिखाइए। अरे ये तो बेकार सा लग रहा है, लगता है किसी गरीब चोर का है। ये तो मेरा है। क्या? कहीं गिर गया था कल। इसका मतलब राजा दरबार तुमने चोरी की? नहीं 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 नहीं, जहाँ पना ये सब झूठ है, हमने कोई चोरी नहीं की है, राम दीन की बीवी की कसम। वो कौन है? हाँ वो हमारी मोहब्बत है। अगर हम झूठ बोल रहे हो तो वो उसको छोड़ के भाग जाए हमारे साथ। चुप कर चिरकुट, बांसुरी कहाँ है? अरे दरभंगा जी। हमारा नाम दरभंगा जी नहीं, खरबंदा जी है। आपका नाम महामंगा जी है, भूल जाती है बार-बार। चुप हो जाओ, दोनों पागल कर देंगे मुझे। ए कुंडल मिल गया, अमीर हो गए, खुश हो गए, जाके पीछे कान में डालो फिर। हमने पीछे भेज दिया उसे। वैसे नूर जी आपसे एक सवाल पूछना था कि ये चोरी हुई कब? जब हीरा जी सो रही थी। हाँ याद आया याद आया, उनके सिपाही ने बताया था जब हीरा जी सो रही थी तो उनके कमरे में बहुत सारे लोग गए थे, उसने नामों की एक सूची भी दी थी। जरा याद करके बताइए मोहतरमा कि उस सूची में इस राजा दरबान का नाम था? कांसा आया था, दासी आई थी, महामंगा जी आई थी, आजम जी आए थे, सिपाही रसूल आया था, बड़े दिगंबर आया था, और फिरोज दर्जी आया था, और पानी वाली रिमझिम आई थी। नहीं नहीं था, नहीं था, नहीं। तो फिर आप हमें एक बात बताइए, ये राजा दरबान चोर कैसे हो गया? बीरबल फिर चोरी की किसने? अब आता है सबसे अहम सवाल कि चोरी आखिर की किसने? जहां बना इस बांसुरी का चोर इस वक्त हम सबके बीच में है और अब हम उसका नाम बताने जा रहे हैं। वो चोर और कोई नहीं बल्कि इस बांसुरी का चोर इस वक्त हम सबके बीच में है और अब हम उसका नाम बताने जा रहे हैं। वो चोर और कोई नहीं बल्कि आजम मियां है। क्या? हाँ आजम भाईजान। जी हाँ। निठल्ले तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे पास सबूत है? माते आप सवाल बड़े प्यारे करती हैं, बड़े प्यारे सवाल करती हैं ये। इसका जवाब सुनना चाहेंगी? अरे सबूत तो हमें पहले ही मिल गया था। जब हम हीरा जी के कमरे में गए थे तो हमने वहां राधा और कृष्णा की मूर्ति तो देखी, पर साथ में हमें एक और सुराग मिला जिससे क्या पता चलता है कि आप जो कुंडल लाई थी वो सबूत नहीं था। सबूत तो हमारे पास है। टें टें टें। कैसा लगा सबूत? उसके बाद जब हमें सिपाही ने सूची बताई तो आपको तो याद ही होगा कि उसमें इनका भी नाम था, इनका आजम मियां। बस हमारा शक यकीन में बदल गया कि चोर तो यही है। हाँ हमारा ही आईना है। अच्छा इससे पहले कि हम इस कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ते आपने हमारा ध्यान भटका दिया।
क्यों नहीं भटकाते? अगर हम आपको कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देते, आपके दिमाग को खाली छोड़ देते, तो आप तो इन तक पहुंच जाती ना। फिर हमारी राधा कौन बनती? बोलिए बोलिए बोलिए। लेकिन आजम भाईजान, आपने बांसुरी चुराई क्यों? क्यों, हमारा दिल नहीं करता कृष्ण बनने को, और हमें लगा हीरा जी खुश हो गए, हमें कृष्ण बना देंगी। लेकिन उससे पहले ही हमारा छन्नी में अटक गया। बीरबल जी, आप तैयारी करें कृष्ण बनने की, और नूर जी आप तैयारी करें राधा बनने की। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। नहीं 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 हीरा जी, बिल्कुल नहीं। दरअसल बात यह है कि जहां पना के होते हुए हम मुख्य किरदार कैसे निभाएं? उसका कारण यह है कि हम अपने शहंशाह की शान में कमी नहीं आने दे सकते। हमें आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन तुमने बुराई पर जीत हासिल की, चोर को पकड़ा, इसलिए हमारी ये दिली ख्वाहिश है कि कृष्ण तुम बनो। सच्ची मुच्ची, जाओ जाओ। अरे राधा रानी, बोलो कन्हैया। अब बोलना नहीं है, अब तो करना है। आइए 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 आइए। वाह, बीरबल वाह।